Today we are going to start chapter 5 of geography water. आज हम लोग है geography में chapter 5 का water के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखना है कि water क्या चीज है. Water जो है एक basic thing है हमारे जीवन का, यानी हमारे life का एक मूलभूत चीज है जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं. यानी पानी जो होता है वो बहुत ही अति आवश्यक है सभी जीवों के लिए. जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सभी के लिए पानी जो है बहुत जरूरी है. ऐसे तो हवा, पानी और जो है आवास, ये तीन चीज तो बहुत जरूरी है. लेकिन इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में, तो विशेष करके वाटर के बारे में पढ़ेंगे. अब हमारे पृथ्वी पर यानी लैंड सरफेस पर जो यानी पृथ्वी पर जो हमारा पानी की मात्रा है वो 71% है और लैंड सरफेस जो है वो 29% है अबाउट. इस प्रकार से जो है पानी का जो है हमारे पृथ्वी पर मात्राएं हैं. दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि ये पानी यानी ये जो जल है कहां कहां से हमें मिलता है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है. तो सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब पानी का सोर्स क्या है, कहां से आपको पानी मिलता है. तो बच्चों आप जानते होंगे, आप घर में भी आप पानी का यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी आप लाते हैं तो कहां लाते हैं. हो सकता है आपके पास घर में अगर चापा कल है या चापा नल यूज करते हैं वो है, या टैप लगा हुआ होगा जो सप्लाई वाटर होगा, या तो अगर बगल में नदी होगा, तालाब होगा, समुद्र होगा, ओशियन होगा. तो ये सभी चीज जो है क्या है, पानी का मुख्य स्रोत है. यानी इन सभी जगहों से हमें पानी मिलता है. अब देखना है पानी का हम लोग यूज भी जो करते हैं उसका क्या करते हैं. सबसे पहले तो हम पीने में इसका यूज करते हैं, फिर उसका हम लोग कपड़ा धोने में, नहाने में, फैक्ट्रियों में बिजली उत्पादन करने में, इत्यादि चीजों में हम लोग पानी का यूज करते हैं जो अति आवश्यक है. अब है कि वाटर साइकिल, वाटर साइकिल यानी पानी को हमको कैसे मिलता है. वाटर साइकिल का मतलब होता है जल चक्रवात. जल चक्रवात का तात्पर्य है कि जल जो है वो चक्रवात में मतलब घूमते रहता है. यानी जल कैसे आता है, किस प्रकार किस प्रोसेस के द्वारा हमें जल मिलता है, तालाब में, नदी में या आपका ओशियन में, इन सभी चीजों के बारे में देखना है. तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नदी, तालाब, ओशियन, झील, इन सभी जगहों के जल सूर्य के गर्मी से वो क्या करता है, वाष्प बन जाता है. यानी वाष्प बन करके वो हवा में मिल जाती है और हवा में मिलने के बाद वो बादल बन जाता है और बादल बनने के बाद पुनः वो आपस में जो है टकराते हैं. तो फिर वो उस प्रकार का टकराने के बाद भी वर्षा के रूप में फिर उसी जगह पर तालाब में, नदी में, मैदान में, आपका झील में, आपका समुद्र में, इन सभी जगह में पुनः फिर चला जाता है. तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं. अब आता है कि ओशियन वाटर जो होता है, आप जानते होंगे बच्चे कि ओशियन वाटर जो होता है वो सैलिनिटी होता है, मतलब नमकीन होता है और उसमें नमकीन की जो मात्रा होती है उसमें 1000 ग्राम में जो है आपका 35 ग्राम जो है सॉल्ट की मात्रा होती है. कितना, 35 ग्राम. यानी हमें ओशियन वाटर से हमें नमक भी हम प्राप्त कर सकते हैं, काफी, क्योंकि वह पानी का है काफी नमकीन होता है जो पीने लायक नहीं होता, जिसको लोग खारा कहते हैं वो पीने लायक नहीं होता है. नाउ टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर, अब देखना है कि ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो कैसा होता है. तो आप जानते हैं कि ओशियन वाटर टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर होता है डिफाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सरफेस एंड डेप्थ. यानी एक जगह से दूसरे जगह, दैट मींस सरफेस एरिया से डेप्थ एरिया में भी इसका जो है टेम्परेचर अलग अलग पाया जाता है. इट इज हॉटेस्ट नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस कोल्डवर्स. अगर हम इक्वेटर की तरफ देखते हैं यानी टेम्परेचर को अगर हम देखा जाता है तो अगर इक्वेटर की तरफ अगर
गर्म तापमान पाया जाता है, यानी तापमान होता है सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर में होता है, और जैसे जैसे हम पोल वर्ष की पढ़ते हैं उसमें क्या होता है उसकी तापमान जो है डिक्रीज होते जाता है, दैट मीन्स घटता जाता है। अब नाउ अ फ्यू पॉइंट्स फॉर ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम लोग गौर करेंगे और एक एक करके फिर उनको हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है। तो सबसे पहले है फ्यू पॉइंट्स में हाईएस्ट टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल सीज, यानी ओशियन वाटर जो होते हैं उसमें सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर होता है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ होता है ट्रॉपिकल सीज में, ट्रॉपिकल सीज में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीजेज विद डेप्थ। मैंने पहले भी इसके पहले बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की ओर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है घटता जाता है, यानी हम जैसे जैसे समुद्र की गहराई की ओर जाते हैं उसका तापमान जो है घटता जाता है। नेक्स्ट टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन समर एंड विंटर। अब ये जो सीजन है जिसमें इसका टेम्परेचर जो होता है तापमान जो होता है अलग अलग पाए जाते हैं। आप जानते होंगे साधारण से आप देखे होंगे कि जैसे आप गर्मी का मौसम आता है गर्मी का सीजन आता है तो निश्चित रूप से तापमान उसका बढ़ जाता है और विंटर में जो होता है उसका तापमान घटता है। तो उसी प्रकार से जो है टेम्परेचर जो होता है आपका ओशियन में वो समर सीजन में जो है ज्यादा होता है और विंटर में उसका कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है लास्ट ग्रेटर सैलिनिटी हायर टेम्परेचर, यानी अगर समुद्र में अगर ज्यादा नमक की मात्रा यानी समुद्र का पानी अगर ज्यादा नमक की मात्रा उसमें होती है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य तो है कि अगर टेम्परेचर अगर सैलिनिटी ज्यादा रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। थैंक यू।